हेलो एवरीवन, तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि हमें मौका मिला नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर से मिलने का। ये पॉसिबल हो पाया सही मैम के द्वारा, जब मार्केटिंग कंटेंट ग्रुप में मैसेज आता है कि 26 तारीख को एक छोटी सी मीट है नवाज सर के साथ, तो पूरी मार्केटिंग टीम बहुत ही एक्साइटेड हो गई उनसे मिलने के लिए। तो फिर क्या ही था, सुबह हमको ऑफिस जल्दी पहुँचना था। फिर ऑफिस से जाना था हमको शूटिंग लोकेशन, जो कि मुंबई में हो रहा है। तो अभी हाल ही में नवाज सर को भारतीय क्रिकेट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो उनके कुछ एड शूट थे एप्लीकेशन के लिए। तो जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि मैं अभी भारत एग्री में 6 महीने से वर्क कर रहा हूँ एज ए कॉन्टेंट क्रिएटर, और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी फाइनली प्लेस्ड का एक वीडियो बना रखा है। तो मेरा भी बहुत मन था कि ऐसे हाथ में कैमरा लेके बोलें, बात करें, बट वहाँ पे मैं उतना कॉन्फिडेंस नहीं ले पा रहा था क्योंकि लोग भी बहुत सारे थे। और जो भी क्लिप्स मैंने बनाई है मैं आपको यहाँ पे अटैच्ड करके दिखा देता हूँ, कुछ म्यूजिक वगैरह डाल के। गेहूँ के साथ क्या लगाए ज्यादा फायदा हो, क्या बोल के साथ क्या लगाए ज्यादा फायदा, क्या बोल कट सॉरी कमाल कमाल कट हो दिया कमाल। सेटअप इधर चालू है और हम लोग इंतजार कर रहे हैं नवाज सर का। मुझे लगता है कि सर को सबसे बेस्ट लोकेशन मिला है आज तक का, तो कैसा लग रहा है सर आपको खेत में एग्रोनॉमिस्ट? ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। आप यकीन नहीं करोगे, मात्र 10 सेकेंड के डायलॉग के लिए भाई इतना बड़ा सेटअप लगाना, उसको फिर तोड़ के दूसरी जगह लेके जाना, उसमें बहुत मेहनत लगती थी। तो प्रॉपर जो शूटिंग का सेटअप था वो एजेंसी वाले की तरफ से था, स्क्रिप्ट वगैरह सब वही लाए थे। तो यहाँ पे एक्टिंग के रोल पे 2-3 बैकएंड में एक्टर थे और मेन में अपने नवाज सर थे। तो जब नवाज सर की एंट्री हुई तो अपन भी चौड़ में आके उनके बाजू में से चलने लगे, ऐसा हवा करने के लिए केवल। बड़ा हरामी हो बेटा। उनको एक्टिंग करते हुए देख के काफ़ी अच्छा लगा, और ऐसा लगा नहीं कि वो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं,
एकदम सिंपल, बहुत ही ग्राउंडेड। उनके कपड़े देख लो, बहुत ही सिंपल रहते हैं हमेशा। और उनकी बैक हिस्ट्री आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड और बहुत ही रूरल एरिया से आते हैं वो। Sitting lonely in my room again. क्या बोल रहे हो ये अभी तैयार किए हैं जस्ट ये देखो There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. बहुत ही टाइट शेड्यूल था उनको, पर्सनली एक लोग से नहीं मिल पाते, फिर भी जब बाहर आए तो सब लोगों ने फोटो गिफ्ट किया और उनके साथ एक ग्रुप फोटो भी निकाला। मैं बस जस्ट इंतजार कर रहा हूँ जैसे ही बाहर निकलूंगा, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बुलाऊंगा। गजब टू भी आवाज आती है। वेटिंग वेटिंग ए फ्यू मोमेंट्स लेटर आकाश किधर गया? रेनिधर। ओ वाओ सो ब्यूटीफुल आई मेकअप स्टैंड स्टैंड आई मेकअप आई विल सेंड यू सनी मेरे पास ले रहा हूं मैं आई विल सेंड यू आकाश थैंक यू सो मच भैया हां जल्दी जल्दी सर इस तरह लगा दीजिए। बैकअप हां बाकी सर ही वाला Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better day, it seems like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh why can't I? Will someone look for me if I disappear?